ठीक है चले। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हैं मोतिया बोल तो दिया था तो। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर बंद हो गई ये हार गुड मॉर्निंग के चक्कर में गुड मॉर्निंग हो जाती है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो एक और दिन की शुरुआत हो गई है हमारी, जो आज है 2 जनवरी। तो आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, भीमताल होते हुए मुक्तेश्वर जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं आज मुक्तेश्वर पहुंचेंगे कि नहीं। वैसे हम लोग निकल लिए हैं मुक्तेश्वर के लिए लाल कुआं से, क्योंकि आपको कल का दिन पता है कितना हेडेक रहा था हम लोगों का। नैनीताल में नहीं जाने दिया था हम लोगों को, एक्चुअली वहाँ रश ज़्यादा था तो इस चक्कर में हमें जाने नहीं दिया था। तो अब हम जाएंगे प्रॉपर नैनीताल। तो खैर नहीं जाना, नैनीताल हमने स्किप कर दिया, लेटर में देखेंगे अगर हो सका पॉसिबल तो नैनीताल जाएंगे, अदरवाइज हम नैनीताल नहीं जाएंगे। हम सीधे निकल जाएंगे लाल कुआं, आ जाएंगे सीधे वापस। सीधे लाल कुआं आ जाएंगे वापस। तो गाइस एक अपडेट मैं दूंगा, आज मैं सिटी के अंदर से नहीं जाके हल्द्वानी वाला जो बाईपास है उस बाईपास से निकल रहा हूँ मैं आज, क्योंकि कल हम सिटी के अंदर फंस गए थे। तो फाटक बंद होने वाला है भाई, जल्दी निकल जाओ। हल्द्वानी वाले बाईपास से आज निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि कल हम सिटी में काफ़ी जाम मिला था हमें लोगों को। तो हल्द्वानी बाईपास से देखते हैं आज कितनी जल्दी हम हल्द्वानी क्रॉस करते हैं। चलो आगे मिलते हैं आपसे। और ये थोड़ा फॉरेस्ट रेंज के अंदर से रास्ता गया है, फॉरेस्ट रेंज है उसके अंदर से रास्ता है, जंगली रास्ता है पूरा। तो बाईपास निकलेंगे आज हम। यार लुकिंग ग्रेट यार, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, एक नंबर यार, ऑसम। वो आई थिंक स्टेडियम बनना है। लुकिंग दैट साइड व्यू यार, अमेजिंग यार, समवन यार, अमेजिंग व्यू। चलो एक फोटो खींचेंगे इस व्यू के साथ। नींद हो क्या? तो गाइज हम लोग अब भीमताल पहुंचने वाले हैं। भीमताल यहाँ से रह गया है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर भीमताल रह गया है और भीमताल पहुंच जाएंगे हम। भाई नज़ारे एक नंबर मिल रहे हैं हम लोगों को, अल्टीमेट अल्टीमेट नज़ारे मिल रहे हैं। और जब से हम चले हैं हल्द्वानी से, चढ़ाई चढ़ाई मिल रही है, बिल्कुल चढ़ाई ही चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप। तो हम चले जा रहे हैं नैनीताल की तरफ, वो सॉरी भीमताल की तरफ। भीमताल घूमेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे मुक्तेश्वर शिव जी के दर्शन करने। शिव जी के दर्शन करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं, अभी तो हम 40 की स्पीड में चल रहे हैं और हमने लगभग 30-40 के आसपास किलोमीटर हमने तय कर लिया है। 33 था, 73 है, तो वो 43 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। तो भीमताल यहाँ से रह गया 6 किलोमीटर और रोड एकदम खाली है और सफा चट है और हम भगाएंगे गाड़ी, एक नंबर गाड़ी। और नीचे का नज़ारे, वहाँ कोई चीज़ शाइन कर रही है, पता नहीं क्या चीज़ है उस साइड, और पता नहीं क्या चीज़ है वो शाइन मार रही है। और हम रोड पे आते हैं, रोड पे फोकस करते हैं। रवि दूजन पूछ द की हाल है, सतलुज हो की हाल है, सतलुज रवि तू जना पूछ द, रवि तू जना पूछ द की हाल है, सतलुज है की हाल है, सतलुज। भाई गाइस हम भीमताल पहुंच चुके हैं, ये नया देख लो भीमताल का पूरा, एक नंबर व्यू है।
और हम लोग टेंपल की तरफ जा रहे हैं, भीमताल कोई मंदिर है, टेंपल की साइड जा रहे हैं हम लोग। बाकी नज़ारे आपको एक नंबर मिलेंगे, एक नंबर नज़ारे के साथ ये मंदिर बना हुआ है। और ये हम आ गए हैं मंदिर की साइड। मंदिर कौन सा, ये वाला मंदिर है भैया? मंदिर यही है। चलो गाड़ी कहाँ लगाएंगे भैया? मंदिर यही है मंदिर? गाड़ी चली आएगी अंदर? नहीं, कहाँ खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी? साइड में। ये मंदिर है भीमेश्वर महादेव मंदिर। हर हर महादेव, हर महादेव। लॉक लग गई, चाबी डाल दे अपनी जेब में। शुद्ध मंदिर महादेव। चलो अंदर का दिखाते हैं, भीमताल के मंदिर का। जूते चप्पल स्टैंड, ये बैग में डाल ले। तो गाइस ये नज़ारा आप ले लो भीमताल का, कैसा भीमताल बना हुआ है पूरा। एक्वेरियम कैफे, वहाँ कैफे है सामने, अब आपको दिख रहा हो, ये बतख वगैरह बैठी हुई हैं। चलो अंदर देखते हैं मंदिर के। फाइनली हम भीमताल टेंपल पहुँच चुके हैं। ये भीमताल मंदिर है, ये पूरा इसका परिसर है, भीमताल का पूरा यहाँ परिसर है। और ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, सामने मंदिर है शिव जी का। और यहाँ ये ट्री वगैरह लगा हुआ है, और उस साइड भी है कुछ थोड़ा बहुत। और ये बस इतना ही सारा मंदिर का परिसर है। तो चलो हम भीमताल लेक चलते हैं, आप लेक दिखाते हैं आपको। भीमताल लेक पहुंच चुके हैं, और ये लेक का व्यू है, आप देख सकते हैं सामने वो कैफ़े बना हुआ है, और इधर ये भीमताल लेक का व्यू। बहुत ही अमेजिंग व्यू लग रहा है, एकदम उमदा किस्म का। और ये माउंटेंस के चारों तरफ से घिरा हुआ है। मुक्तेश्वर के लिए तो मुक्तेश्वर टेम्पल जाएंगे हम लोग, देखते हैं 11 बज चुके हैं यहाँ पे, तो 12:30 तक मुक्तेश्वर टेम्पल पहुँच जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे, एक 0 पॉइंट है मुक्तेश्वर में, 0 पॉइंट जाएंगे, 0 पॉइंट से फिर हम वापस आएंगे, तब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो वीडियो में साथ जुड़े रहें आप लोग, और बहुत मस्ती चल रही है अभी, हमने फोटो वगैरह खिंचाए हैं। तो गाइस ये है भीमताल, देख लो आप लोग, और ये भीमेश्वर महादेव का मंदिर नीचे की तरफ दिख रहा हो आपको, और ये है भीमताल। तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ चुके हैं मुक्तेश्वर के लिए, और टाइम हो गया इस समय 11 बज चुके हैं, और हम लोग मुक्तेश्वर के लिए भर चुके हैं आगे की तरफ। और ये देखिए आप भीमताल के नज़ारे, सामने जो बना है वो कैफ़े बना है, एक्वेरियम करके कैफ़े है बना हुआ है। और हम लोग इस भीमताल के लिए जाते हुए, और अल्टीमेट व्यू के साथ नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग। और ये देखा ना वो कैसी वाली होती थी यहाँ पर, देख अल्टीमेट नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग। तो हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं, तो चलो अब हम चलते हैं आगे को। भाई सामने देखना क्या नज़ारे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं आपको नज़ारे, एक नंबर। हिमालयंस की पूरी रेंज दिख रही है, हिमालय की पूरी रेंज। अब मैं आंखों से बयान नहीं कर, मतलब मुंह से बयान नहीं कर सकता कि कैसी रेंज है, बट एक नंबर रेंज है। वो लड़के शायद आगे निकल गए। ओ ओ ओ ओ ओ, अरे लोकल है ना वो, हैं यूपी तो आसपास का होगा, यूपी 22 आसपास का होगा ना। ढलान पे तो ब्रेक वैसे ही लगते हैं, और ट्रैक्शन नहीं मिलता ना गाड़ियों को। गाइस ये नज़ारे देखो, नज़ारे कितने अच्छे से नज़ारे मिल रहे हैं यहाँ पे। और रोड सो गई है बिल्कुल पतली, और मुक्तेश्वर मंदिर रह गया है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर की जर्नी और रह गई हम लोगों की, 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं हम लोग। और रोड इतनी छोटी चल रही है, काफ़ी टाइम हो गया रोड छोटी ही है, और इसी हाइट पे रोड, इसी उसकी साइज की रोड है, पूरा नैरो रोड बनी हुई है, और नैरो रोड पे ही हम लोग चले जा रहे हैं मुक्तेश्वर मंदिर की तरफ। हार्डली मुक्तेश्वर मंदिर का मेरे ख्याल से ट्रैक होगा 500 मीटर के आसपास ट्रैक है बस मुक्तेश्वर मंदिर का, 500-600 मीटर का। तो वो ट्रैक के बाद
टेंपल घूम के हम नीचे आएंगे, फिर देखेंगे और भी जगह घूमेंगे। मोस्टली जो पीपल जा रहे हैं मुक्तेश्वर मंदिर ही घूमने जा रहे हैं, मुक्तेश्वर टेंपल, तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं मुक्तेश्वर। सभी लोग वहीं जा रहे हैं मंदिर। और भाई ये लोकेशन बहुत तगड़ी आई है, और ये कुछ बाइकर्स लोग मिल गए हैं, एक्टिवा वगैरह चल रहे हैं, ये लोग हमारे साथ ही चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। हमने इनसे रोड पूछा था कि कैसे जाना है, तो इन्होंने कहा हम भी चल रहे हैं, हमारे साथ ही चलो, तो हम भी इनके साथ ही हो गए। और अकेले नहीं है, छः लोग हैं ये टोटल, 3 बाइक हैं इनके साथ और चौथी बाइक हमारी है, हम पे भी 2-2 हैं, तो 8 लोग हैं हम टोटल। और भाई जो नज़ारा देख रहे हो साइड हो पे, एक नंबर व्यू है ऊपर तक। बस थोड़ा सा रोड नैरो है, थोड़ी सी रोड ख़राब है, बस बाकी सब बढ़िया चल रहा है, हम अच्छे आ गए आराम से। तो थोड़ा सा और रह गया बस मुक्तेश्वर टेंपल। और भाई रास्ता ऐसी है ना, रात में तो ट्रैवल करने वाली नहीं है, पहली बात, दिन में ही ट्रैवल कर जितना घूमना है। और भाई जीव पार हो के हम एक खूबसूरत से नज़ारे में निकल रहे हैं, मुक्तेश्वर टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हार्डली हम मुक्तेश्वर मंदिर पहुंचने वाले हैं, मंदिर रह गया 1 किलोमीटर यहाँ से, मुक्तेश्वर मार्केट है 500 मीटर।